Hello students, welcome to the class, and today we are going to see the multiple choice questions on complex analysis. This is also called as the functions of complex variable. These questions are very important for the GATE NET SET examination and as well as for the competitive examination and the university examination. Let us proceed with the example. Example number 1. If f of z is analytic function inside and on the boundary of a closed curve C, then integration over a closed curve C f of z dz. Now if you know, this is the स्टेटमेंट ऑफ द कॉची रेसिड्यू थ्योरम, जिसमें अगर फंक्शन एनालिटिक होता है और कोई भी पोल इनसाइड नहीं रहता है, दैट टाइम द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल विल बी इज व्हाट, जीरो. तो यहां पे ऑप्शन डी करेक्ट है. अगर कोई पोल क्लोज कर्व के अंदर आता है तो हम रेसिड्यू कैलकुलेट करते हैं, देन अकॉर्डिंगली बाय फॉर्मूला वी फाइंड आउट द इंटीग्रल वैल्यू. नेक्स्ट क्वेश्चन 2, द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल 0 टू 1 प्लस आई जेड स्क्वायर डीजेड अलोंग द लाइन एक्स इक्वल टू वाई इज गिवन बाय. तो चार ऑप्शंस आपके पास है, इसमें से आपको ढूंढना है कि कौन सा सही है. नाउ ये कंडीशन हमको दी है x इक्वल्स टू y, इसका हम यूज करेंगे इसको इवैल्यूएट करने के लिए. सो आपको पता है कि z क्या होता है, z इज नथिंग बट वी कैन राइट डाउन x प्लस आई वाई. तो हम यहां पे लिखते हैं उसको, dz इक्वल्स टू इट इज व्हाट, dx प्लस इट इज i dy. अब देखिए आपको x इक्वल्स टू y दिया हुआ है, इसका मतलब हम यहां से लिख सकते हैं dx इक्वल्स टू इट इज व्हाट dy. और इंटीग्रल में देखिए ये है लिमिट z की, तो z हमारा ऑर्डर्ड पेयर में आता है जनरली x और y के, तो ये लिमिट्स हम बोलेंगे 0, 0 है. और यहां पे जो लिमिट्स है इसको हम लिख सकते हैं इज व्हाट 1, 1. जो पहला वाला क्वांटिटी होता है वो रियल पार्ट है, वो x को रिलेट करता है, और जो कोएफिशिएंट ऑफ i होता है वो y को रिलेट करता है. तो इसी इंटीग्रल को मैं यहां नीचे में लिखता हूं, इट इज व्हाट 0, 0 एंड अपर लिमिट विल बी इट 1, 1. आई विल रिप्लेस द z बाय इज व्हाट x प्लस आई वाई विच इज द स्क्वायर गिवन. dz कैसे लिखेंगे हम, इट इज dx प्लस आई डी वाई. नाउ हमको दिया हुआ है कि x इक्वल टू y है और dx भी dy होता है, तो इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं. तो हम यहाँ पे कंप्लीट इंटीग्रल x के टर्म में लिखेंगे, तो यहाँ पे x के लिमिट क्या हो जाएगा, देन इट इज 0 टू 1, बिकॉज x हमारा पहला क्वांटिटी है, तो इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रल 0 टू 1. अब मैंने y के जगह भी x पुट अप करना है, यहाँ पे x प्लस आई एक्स ये हो जाएगा स्क्वायर, देन उसके बाद यहाँ पे इट इज व्हाट dx प्लस आई डी एक्स. Now, इसको थोड़ा सा फर्दर इवेल्युएट करते हैं, x प्लस आई एक्स का स्क्वायर करेंगे, मतलब a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, इट इज एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ आई एक्स स्क्वायर प्लस इट इज व्हाट आई एक्स स्क्वायर. सो आई एक्स स्क्वायर विल बी व्हाट, इट इज i का स्क्वायर होता है -1 और ये होता है एक्स स्क्वायर. तो यहां पे आप लिख सकते हैं -x² दिस इज, तो आप यहां पे देख रहे हैं कि x² तो कैंसिल हो जा रहा है, मुझे सिर्फ मिल रहा है इट इज व्हाट 2i x स्क्वायर. और यहां पे देखिए आप dx कॉमन निकालेंगे तो मुझे ब्रैकेट में मिलेगा 1 प्लस आई इंटू इट इज dx. नाउ इट इज वेरी इजी टू डू द इंटीग्रेशन, जिसमें आप 2i बाहर निकाल लेंगे और 1 प्लस आई भी आप बाहर निकाल लेंगे. सो इंटीग्रेशन में आपको सिर्फ करना है x² का इंटीग्रेशन, एंड इंटीग्रेशन ऑफ x² व्हाट इज इट, इट विल बी अ x³/3 एंड लिमिट्स फ्रॉम 0 टू 1. अब इसको आप सिंप्लीफाई कर दीजिए, इसको अगर आप i से मल्टीप्लाई करते तो हो जाएगा 2i, i² इज -1, तो हो जाएगा -1 यहां पे, और ये हो जाएगा 1/3, और आप लिमिट पुट अप करेंगे तो 1 - 0. अब मुझे बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, यहाँ पे 2/3 i - 1 ये हमारा आंसर आया, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर. सो इस तरह से हम इवैल्यूएट करते हैं कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल को. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज इफ u इक्वल्स टू r² cos 2θ एंड u इज हार्मोनिक, देन करस्पॉन्डिंग कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट v फॉर एनालिटिक फंक्शन f ऑफ z इक्वल्स टू u प्लस iv इज गिवन बाय. अभी चार ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं. अब देखिए हमको कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट निकालना है, तो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट जनरली इसका सिमिलर रहता है, सेम कभी नहीं रहता, याद रखना है. अब देखिए कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हम निकाल रहे हैं, मतलब v निकाल रहे हैं, तो v अगर निकाले तो उसके साथ i नहीं रहेगा, तो ऑप्शन सी और डी तो वैसे ही यहां से निकल गए. अब उसके बाद मैं आपको बताया कि अगर हम कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट निकालते तो फंक्शन सेम कभी नहीं मिलता है. यहां पे हमारे पास r² cos 2θ आ रहा है, तो ये भी ऑप्शन नहीं रहेगा, तो बचता कौन सा, इट इज ऑप्शन ए यहां पे, तो ये हमारा कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट रहेगा. अगर मानो आपको नहीं समझ रहा है और एक्चुअली आपको निकालना है, तो आप कैसे निकालेंगे इसको, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन मेथड से भी निकाल सकते हैं, या फिर आप मिल्ले थॉमसन मेथड से भी. एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन मेथड थोड़ा आसान होता है, तो उसी से हम निकालते हैं. तो पहले हम गिवन यू लिख देंगे, इट इज यू इक्वल्स टू r² cos 2θ, और बाद में इसको डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू दी rn θ. नाउ इफ आई डू द डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू दी r, मुझे मिलेगा यू आर इक्वल्स टू r² का डिफरेंशिएशन 2r और बाकी cos 2θ एज इट इज, बिकॉज थीटा विल बी अ कांस्टेंट, हम यहां पे पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं. अगर मैं थीटा से डिफरेंशिएट करता हूं तो r² कांस्टेंट रहेगा और cos 2θ का डिफरेंशिएशन होगा इट इज व्हाट -2 sin 2θ, बिकॉज cos का होता है माइनस साइन और उसके बाद में 2θ का इट इज व्हाट 2. अब इसके बाद आपको निकालना है v, तो v निकालने के लिए आप क्या लेंगे,
आप क्या लेंगे, डीवी मतलब डिफरेंशियल ऑफ वी आप लिखेंगे, अब वी फंक्शन ऑफ आर और थीटा है तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, वी आर डी आर प्लस वी थीटा एंड डी थीटा, दिस इज कॉल्ड एज द डिफरेंशियल ऑफ वी। अब हम यहाँ पे सी आर इक्वेशन यूज करते हैं, तो अकॉर्डिंग टू द सी आर इक्वेशन फॉर द पोलर फॉर्म, यू आर को हम लिख सकते हैं 1 बाय आर वी थीटा, और वी आर को हम लिखते हैं इट इज माइनस 1 बाय आर यू थीटा। अब हम यहाँ पे यू वी आर और वी थीटा को रिप्लेस कर देते हैं इन टर्म्स ऑफ यू आर एंड यू थीटा, बिकॉज मेरे पास यू आर और यू थीटा की वैल्यू है इसलिए। तो देखिए यहाँ पे वी आर क्या होगा, वी आर विल बी इज व्हाट माइनस 1 बाय आर यू थीटा, तो यू थीटा के पास भी देखो माइनस है तो माइनस माइनस गेट प्लस, और एक आर कैंसिल कर देंगे हम यहाँ पे तो मुझे मिलेगा 2 आर साइन 2 थीटा एंड डी आर। वैसे ही फिर हम यहाँ पे हमें वी थीटा को रिप्लेस करना पड़ेगा, वी थीटा किससे रिप्लेस होगा बताइए, इट इज आर इंटू यू आर से, तो आर इंटू यू आर हम यहाँ पे करेंगे तो यू आर जो भी हमारे पास उसको आपको आर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मुझे ये मिल जाएगा 2 आर स्क्वायर कॉस 2 थीटा एंड डी थीटा। अब ये आ गया, हम इसको कंपेयर कर लेंगे एम डी आर प्लस एन डी थीटा के साथ, और उसके बाद यहां से आप वी इजिली निकाल सकते हैं बाय यूजिंग द फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होता है, इट इज वॉट इंटीग्रेशन ऑफ एम डी आर कीपिंग थीटा कॉन्स्टेंट प्लस इंटीग्रेशन ऑफ टर्म्स ऑफ एन नॉट कंटेनिंग आर डी थीटा प्लस सी। ये फॉर्मूला एक्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का ही है जो हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। अब आपको सिर्फ ये वाला जो टर्म है इसको आपको सिर्फ इंटीग्रेट कर देना है विद रिस्पेक्ट टू इट इज व्हाट आर, और उसके बाद हमको जो सेकंड इंटीग्रल है उसमें तो कोई टर्म ही नहीं आने वाला है बिकॉज हमको टर्म्स ऑफ एन नॉट कंटेनिंग आर चाहिए, तो यहाँ पे एक ही टर्म है जिसमें आर प्रेजेंट है तो हो जाएगा जीरो यहाँ पे, तो इंटीग्रेशन ऑफ जीरो इज व्हाट कॉन्स्टेंट टर्म, उसको हम इस कॉन्स्टेंट में एड कर देंगे। अब हम इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं यहाँ पे पहला टर्म, तो पहला इंटीग्रेशन आपको आर से करना है यहाँ पे, तो ये आर का इंटीग्रेशन हो जाएगा आर स्क्वायर बाय टू, और 2 साइन 2 थीटा हम बाहर निकाल लेंगे बिकॉज थीटा इज कांस्टेंट, हमको यहाँ पे ट्रीट करना है पहले इंटीग्रल में, तो हमारा आंसर आ गया दैट इज वी, और यहाँ पे 2 कैंसिल हो जाएंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा आर स्क्वायर साइन 2 थीटा। आप ऐसे भी कर सकते हैं, अदरवाइज जैसे ऑब्जर्व करके भी आप करेक्ट ऑप्शन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, बट वो हमेशा वैलिड नहीं रहेगा, इसलिए अगर आपको मेथड पता है तो आप इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं एग्जैक्ट आंसर। सो ये द ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ वन, इफ एफ ऑफ जेड इज एनालिटिक फंक्शन ऑफ जेड देन डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर ऑफ मॉड ऑफ एफ ऑफ जेड होल स्क्वायर नाउ विच इज इक्वल टू, आपको दिए हैं यहाँ पे चार ऑप्शंस, अब इसमें से एक करेक्ट है। सो देखिए अगर हम डिफरेंशिएशन ले रहे हैं यहाँ पे मॉड ऑफ एफ ऑफ जेड होल स्क्वायर का, सो डेफिनेटली हमारे आंसर में भी डिफरेंशिएशन आना चाहिए, तो उसमें एफ ऑफ जेड तो नहीं रहेगा, तो एफ ऑफ जेड तो यहाँ से कट जाता है, मतलब ऑप्शन ए और सी तो यहाँ से कट गए। अब बचे दो ऑप्शन बी और डी, अब इसमें से एक ऑप्शन करेक्ट रहने वाला है, वो कौन सा रहने वाला है वो आपको देखना पड़ेगा। अब थोड़ा सा मैं आपको एक आइडिया बता देता हूँ कि एफ ऑफ जेड जो हम लेते हैं वो क्या होता है, इट इज व्हाट यू प्लस आई वी, और अगर मैं डेरिवेटिव की बात कर रहा हूँ एफ डैश ऑफ जेड वो होता है इट इज व्हाट यू एक्स प्लस आई वी एक्स हम ले सकते हैं, या अदरवाइज उसको हम ले सकते हैं इट इज वाई से अगर डिफरेंशिएट किया तो यू वाई प्लस आई वी आई, तो ये क्वांटिटी लास्ट में आती है, तो इसको आपको एक्चुअली डिफरेंशिएट करना पड़ेगा यहाँ पे मॉड ऑफ एफ ऑफ जेड होल स्क्वायर को, और उसके बाद आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा आंसर। इट इज अ वेरी फेमस क्वेश्चन इन द कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, और इसका आंसर आता है इज व्हाट 4 एफ डैश ऑफ जेड होल स्क्वायर, दैट इज ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज एग्जाम्पल नंबर 5, फॉर फाइंडिंग एन एनालिटिक फंक्शन यूजिंग मिलने थॉमसन मेथड वी पुट, आपको पता है कि हम एनालिटिक फंक्शन दो मेथड से निकालते हैं, एक तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन मेथड जो अभी हमने देखा, और दूसरा होता है मिलने थॉमसन मेथड। तो मिलने थॉमसन मेथड से हम जब निकालते हैं तो हम कौन सा वैल्यू पुटअप करते हैं वो हमको यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है। तो देखिए माइनस साइन तो हम कभी नहीं पुटअप करते हैं, मतलब बी और डी यहाँ पे एलिमिनेट हो गए। अब बच्चे ए और सी, इसमें से आप क्वांटिटी क्या पुटअप करते हैं, इट इज ऑप्शन सी इज करेक्ट, एक्स इक्वल टू जेड पुटअप करते हैं और वाई इक्वल टू जीरो, ये आपको याद रखना पड़ेगा। अगर आपने क्वेश्चन सोल्व किए होंगे मिलने थॉमसन मेथड के तो आपको चीज पता ही होगी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल दैट इज इंटीग्रेशन ओवर अ क्लोज कर्व सी ई टू द पावर जेड अपॉन जेड माइनस टू डी जेड वेयर सी इज अ सर्कल विद मॉड जेड इक्वल्स टू 3। हम ये कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल सॉल्व करने के लिए कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। उसके पहले आपको क्या चेक करना पड़ता है कि यहाँ पे जो पोल्स होते हैं इस फंक्शन के, फंक्शन ऑफ जेड के, तो ये इनसाइड है आउटसाइड सर्कल के, वो आपको देखना पड़ता है। तो यहाँ पे सर्कल आपको दिया है मॉड जेड इक्वल्स टू 3, मतलब इट इज अ सर्कल विथ रेडियस 3 एंड सेंटर इज व्हाट 0 0, तो वो सर्कल मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, तो रेडियस 3 है यहाँ पे। अब देखिए हम इसके पोल्स निकालते हैं इस फंक्शन के, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, जो डिनोमिनेटर है उसको इक्वेट करते हैं हम 0 से और वहां से आपको पोल निकलता है। सो जेड इक्वल्स टू 2 इज अ पोल ऑफ ऑर्डर 1 एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द सिंपल पोल, बिकॉज यहाँ पे जेड माइनस 2 का पावर कितना है 1, इसलिए हम इसको सिंपल पोल कहते हैं। अब देखिए ये जो पोल है ये इनसाइड है कि आउटसाइड है इसको हम चेक करते हैं, तो जो जेड इक्वल्स टू 2 है ये रियल पार्ट है, ये एक्स एक्सिस पे आएगा, इसको हम 2 प्लस आई 0 लिख सकते हैं, तो ये जो 2 है ये इनसाइड रहेगा सर्कल के, तो सर्कल के इनसाइड है तो अब हमको यहाँ पे कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, बिकॉज जो पोल है वो इनसाइड में है अभी हमारे क्लोज कंटूर के। तो फॉर्मूला इज गिवन बाय, इट इज इंटीग्रेशन ओवर अ क्लोज कर्व सी एफ ऑफ जेड अपॉन जेड माइनस ए डी जेड इक्वल्स टू 2
टू पाई आई इंटू एफ ऑफ ए। अब हम क्या करते हैं, टू पाई आई तो ये कॉन्स्टेंट आपको लिखना ही पड़ेगा यहाँ पे, डिनोमिनेटर में हमारे पास जेड माइनस है तो पोल हो जाएगा जेड इक्वल टू ए यहाँ पे, तो देयरफॉर इन द न्यूमरेटर आई पुट द जेड इक्वल टू ए, तो मुझे मिलता है क्या, इट इज एफ ऑफ ए। तो सेम आप यहाँ पे रिलेट कर सकते हैं, देखिए जेड माइनस ए यहाँ पे है और जेड माइनस टू हमें यहाँ पे दिया हुआ है, तो ए क्या होगा यहाँ पे, इट इज टू होगा, तो इस इंटीग्रेशन का वैल्यू हम लिख सकते हैं इट इज वॉट, इट इज इक्वल टू टू पाई आई इंटू द एफ ऑफ ए। अब एफ ऑफ ए मतलब जो न्यूमरेटर है उसमें आपको z को रिप्लेस करना पड़ेगा a से, बट a क्या है यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे हमने z को रिप्लेस कर दिया 2 से, तो ये हमारा आंसर आ गया। तो मुझे बताइए आपको कौन सा ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे, इट इज वॉट टू पाई स्क्वायर। एक और चीज आप याद रखिए, अगर ये जो पोल है ये आउटसाइड अगर रहता तो आंसर हमारा क्या आता है, इट इज वॉट 0, बट यहाँ पे पोल इनसाइड था सर्कल के, इसलिए हमने यहाँ पे कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला लगाया और इसे इवेल्युएट किया है। सो देयरफॉर द ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जांपल नंबर 7, अ पॉइंट z इक्वल्स टू a इज कॉल्ड एज रिमूवेबल सिंगुलरिटी ऑफ द सिंगल वैल्यूड फंक्शन f ऑफ z इफ। सो आपको पता होना चाहिए कि सिंगुलरिटी तीन टाइप्स की होती है, एक होती है आइसोलेटेड सिंगुलरिटी जिसे हम पोल भी कहते हैं, एक होती है रिमूवेबल सिंगुलरिटी और तीसरी होती है इट इज असेंशियल सिंगुलरिटी। तो चलिए हम यहाँ पे ऑप्शन चेक करते हैं। पहला ऑप्शन है एफ ऑफ जेड इज नॉन एनालिटिक एट जेड इक्वल्स टू ए, यस इट इज अ कंडीशन फॉर द रिमूवेबल सिंगुलरिटी एंड एज वेल एज फॉर द आइसोलेटेड सिंगुलरिटी, मतलब ऑप्शन ए दोनों सिंगुलरिटी के लिए करेक्ट है। उसके बाद ऑप्शन बी की तरफ जाते हैं, तो यहाँ पे लिमिट जेड टेंडिंग टू ए एफ ऑफ जेड इज फाइनाइट, यस इट इज ऑल्सो करेक्ट फॉर द रिमूवेबल सिंगुलरिटी। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है तभी हम सिंगुलरिटी को कहते हैं इट इज वॉट रिमूवेबल सिंगुलरिटी। सो यहाँ पे ऑप्शन सी हमको दिख रहा है, बोथ ए एंड बी मस्ट बी ट्रू, सो दिस ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन हियर। और एक चीज और मैं बताना चाहूंगा कि जो आइसोलेटेड सिंगुलरिटी होती है उसके लिए फर्स्ट कंडीशन तो ट्रू होता है और सेकंड कंडीशन क्या होता है, देयर इज नो अदर सिंगुलरिटी इन द इमीडिएट नेबरहुड ऑफ जेड इक्वल्स टू ए, मतलब दूसरा सिंगुलरिटी तुरंत नहीं आना चाहिए, देन दैट सिंगुलरिटी इज कॉल्ड एज व्हाट, आइसोलेटेड सिंगुलरिटी। और जब सिंगुलरिटी आइसोलेटेड भी नहीं रहती है और रिमूवेबल भी नहीं रहती है उसे हम कहते हैं असेंशियल सिंगुलरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन इट इज 8, इफ एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू फाई ऑफ जेड अपॉन साई ऑफ जेड हैज अ सिंपल पोल एट जेड इक्वल्स टू ए and psi dash of a is not equals to 0, then residue of the f of z at z equals to a is given by, चार ऑप्शन हमारे पास है। अब आप यहाँ पे एक चीज सोचिए, अगर psi dash of a is not equals to 0 ये कंडीशन दी है, मतलब इसका यूज तो कहीं ना कहीं होना है, और जनरली ये कंडीशन कब दी जाती है, जब डिनोमिनेटर हमारा 0 हो सकता है तब। अब देखिए psi dash कहाँ पे है हमारे पास, ऑप्शन बी और डी में है, मतलब ऑप्शन ए और सी तो यहाँ पे ऑलरेडी निकल गए हैं, मतलब ये गलती है, बी और डी में से हमारे पास आंसर रहेगा जहां पे हम ये कंडीशन लगा सकते हैं कि साइड डैश ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0। तो जनरली जब भी हम सिंपल पोल निकालते हैं तो डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव करते हैं और न्यूमिनेटर का डिफरेंशिएशन नहीं करते हैं, तो देखो ये तो ऑप्शन डी इज करेक्ट हियर, जहां हमने जेड इक्वल टू ए पुट अप किया हुआ है और उसके बाद फिर रेसिड्यू निकाला हुआ एफ ऑफ जेड एट जेड इक्वल टू ए, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन। सो टोटल 8 क्वेश्चंस मैंने कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के ऊपर इस वीडियो लेक्चर में लिए हैं, अगर आपको कहीं दिक्कत होगी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, इसके मैं और लेक्चर्स अपलोड करने वाला हूं सामने में, तो इस चैनल के साथ आप कनेक्टेड रहिए। एंड लास्टली आई से थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इफ यू गेट समथिंग फ्रॉम इट प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड एंड प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल मैथमेटिक्स गणित संग्रह। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मैथमेटिक्स का नॉलेज एनहांस करते रहिए मैथमेटिक्स गणित संग्रह के साथ। थैंक यू सो मच।